नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब सोल्डरिंग डिफेक्ट के बारे में। जब हम पीसीबी को सोल्डरिंग करते हैं वेब सोल्डरिंग मशीन के थ्रू, तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और उस डिफेक्ट का पॉसिबल रीजन क्या है। क्योंकि जब भी कोई डिफेक्ट आता है और उसका अगर पॉसिबल रीजन हमें मिल जाता है तो उसे सॉल्व करने में बड़ा इजीली होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने टाइप के वेब सोल्डरिंग डिफेक्ट आते हैं और उसका क्या क्या पॉसिबल रीजन है, राइट। अच्छा, ये टॉपिक वेब सोल्डरिंग डिफेक्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको हम दो पार्ट में शूट करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो दोनों पार्ट हम YouTube पे डालेंगे और दोनों पार्ट आप देखना ना भूलें, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कितने टाइप्स के वेब सोल्डरिंग डिफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम पिन होल के बारे में। पिन होल को हम ब्लो होल भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये पिन होल है। यहाँ एक आपको सोल्डरिंग के बीच में पतला सा होल दिखाई दे रहा होगा। ये होल इतना छोटा होता है कि उसमें हम पिन डाल सकते हैं सिर्फ, इसलिए इसको पिन होल बोलते हैं। और इसे ब्लो होल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इशू जनरेट होता है वो मॉइस्चर के ब्लास्टिंग की वजह से होता है। जो पीसीबी में मॉइस्चर होता है उसको अगर हम सोल्डरिंग के लिए ले जाते हैं, वहाँ जब गर्म होता है मॉइस्चर तो वो ब्लास्ट करता है, तो वहाँ ब्लोइंग होता है, इसलिए इसे ब्लो होल बोलते हैं, राइट। तो इसका पहला रीज़न है कॉज बाय द प्रिंटेड बोर्ड आउट गैसिंग ड्यूरिंग द सोल्डरिंग। प्रिंटेड बोर्ड में जो आउट गैसिंग होता है, जैसे सपोज दैट उसमें मॉइस्चर है और जब उससे हम वेब सोल्डरिंग के लिए ले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, गर्म होकर मॉइस्चर वॉइड बनाता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो जो मॉइस्चर बाहर निकलने की प्रोसेस होता है उसमें अगर सोल्डरिंग के बीच में ये प्रोसेस हो गया तो वहाँ पिन होल बनाता है, क्योंकि गैस गर्म होने के बाद बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, तो जो बाहर निकलने का प्रोसेस होता है इसलिए उसमें पिन होल होता है, राइट। सेकंड रीज़न, मॉइस्चर इन द बोर्ड एस्केप थ्रू आइदर थिन कॉपर प्लेटिंग और वॉइड इन द प्लेटिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि ये पीसीबी है और इसके ऊपर ये कॉपर प्लेटिंग हुआ रहता है, जहाँ भी हमें कंपोनेंट सोल्डर करना है वहाँ कॉपर पैड होता है, राइट। कभी कभी क्या होता है कि हम सस्ता पीसीबी बनवाने के चक्कर में वो जो कॉपर प्लेटिंग होता है वो इतना पतला हो जाता है, इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है। वो मॉइस्चर कब निकलता है? जब हम वेब सोल्डरिंग के लिए पीसीबी वेब में डालते हैं और जब वो गर्म होता है तो वो एयर गर्म होकर बाहर निकलता है, और जब बाहर निकलते टाइम बीच में अगर कोई सोल्डरिंग या कोई सोल्डर ज्वाइंट आ गया तो हाँ वो ब्लास्ट करता है, वैसे पिन होल और ब्लो होल जनरेट करता है। अगला देखते हैं क्रैक ज्वाइंट। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, यहाँ एक क्रैक ज्वाइंट है, एक यहाँ क्रैक ज्वाइंट है। ये क्रैक ज्वाइंट बहुत ही डेंजर होता है, क्योंकि क्रैक ज्वाइंट टेस्टिंग में भी नहीं पकड़ा जाता है। सपोज अगर हम ICT या FCT करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान ये कभी कभी कनेक्टिविटी बना लेता है पैड से और ये पास हो जाता है। सपोज दैट ये फील्ड में गया तो वाइब्रेशन के बाद ये लूज़ हो जाएगा, कभी कनेक्टिविटी बनाएगा कभी नहीं बनाएगा, तो इसके वजह से डिवाइस माल फंक्शनिंग करता है और माल फंक्शनिंग पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो क्रैक ज्वाइंट का रीजन क्या है ये देखते हैं। द शोल्डर ज्वाइंट इज ऑन अ सिंगल साइड बोर्ड, द ज्वाइंट हैज फेल्ड ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लीड इन द ज्वाइंट। सबसे पहले ये जो क्रैक ज्वाइंट आता है ये मोस्टली सिंगल साइड पीसीबी में आता है, जो सिंगल लेयर पीसीबी होता है। पीसीबी बहुत टाइप के होते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर, तो ये पीसीबी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पीसीबी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी सिंगल साइड, जो सिंगल लेयर पीसीबी होता है उस केस में ये क्रैक ज्वाइंट आता है। सपोज दैट हमने सिंगल लेयर पीसीबी सोल्डिंग की, उसमें क्या होता है अगर यहाँ से हमने कंपोनेंट डाल के सोल्डिंग किया तो सिर्फ नीचे सोल्डिंग होता है, सोल्डर ऊपर नहीं आ पाता है, तो इसलिए उसका स्ट्रेंथ भी कम रहता है। और गलती से ऊपर से हमने कंपोनेंट को प्रेस कर दिया, कंपोनेंट फिजिकली हिला दिया, तो वहाँ क्रैक आने के चांसेस होते हैं, राइट। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड रीजन क्या है? सो अ क्रैक अराउंड द बेस ऑफ द फिलेट एंड हैज सेपरेट फ्रॉम द कॉपर पैड, दिस इज मोस्ट लाइकली इज टू बी रिलेटेड टू द बेसिक सोल्डरबिलिटी ऑफ द बोर्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिगर टू में क्या है, लैक ऑफ वेटिंग बिटवीन द शोल्डर एंड द पैड सरफेस कॉज दिस क्रैक एट द बेस ऑफ ए फिलेट। इट मीन्स कि जब सोल्डिंग ज्वाइंट हो रहा होता है उस टाइम पैड और कॉपर के बीच में प्रॉपर सोल्डरबिलिटी नहीं हुआ, राइट, तो एक वाइब्रेशन के बाद ऐसे क्रैक आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर सोल्डरबिलिटी के लिए क्या होता है कि पैड और कंपोनेंट लेग दोनों को प्रॉपर गर्म होना होता है, पहले सबसे पहले दोनों को गर्म करेंगे उसके बाद ही हम सोल्डिंग करेंगे। अगर कोई सपोजिट शोल्डर पैड हमारा प्रॉपर गर्म नहीं है और हमने वहाँ सोल्डिंग कर दिया तो ऐसे क्रैक आने के चांस होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं,
लिफ्टेड कंपोनेंट जो अगला इशू है, लिफ्टेड कंपोनेंट। वेब सोल्डिंग में बहुत ज़्यादा ये लिफ्टेड कंपोनेंट आता है, इसका क्या क्या पॉसिबल रीजन है ये देखते हैं। लिफ्टेड कंपोनेंट कैन ऑकर ड्यूरिंग द वेब सोल्डिंग फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, मतलब लिफ्टेड कंपोनेंट बहुत सारी रीजन से आ सकते हैं वेब सोल्डिंग में। क्या क्या रीजन होता है? पहला, इज पॉसिबल टू इंक्रीज द कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है? पीसीबी कितना देर वेब सोल्डिंग के ऊपर रही है, मतलब सोल्डर पोर्ट के ऊपर कितना देर पीसीबी रही है, उसे हम कॉन्टैक्ट टाइम बोलते हैं। कॉन्टैक्ट टाइम अगर ज़्यादा है तो क्या होता है कि पीसीबी मान लो प्लास्टिक का बनाया, किसी मेटल का बनाया, वो गर्मी से एक्सपेंड होगा। सपोज दैट ऊपर कोई कैपेसिटर है, हेवी कैपेसिटर है, और उसको हमने ज़्यादा देर सोल्डर पॉट के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा, गर्म होके जो कैपेसिटर के नीचे वाला पार्ट होता है वो एक्सपेंड होगा, तो वहाँ वो लिफ्टिंग दिखाएगा। जैसे ये इमेज में आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंट है जो प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, तो ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा, तो उससे वो लिफ्टिंग दिखाई देता है, राइट। सेकेंड रीजन, इनकरेक्ट लीड लेंथ, कॉज द लीड्स टू हिट द शोल्डर बाथ एंड लिफ्ट ड्यूरिंग एंट्री टू द वेब। अगर कंपोनेंट का लीड लेंथ ज़्यादा होगा तो शोल्डर बाथ के ऊपर टच करेगा, और जब वो टच करेगा तो कंपोनेंट लिफ्टिंग होगा। नेक्स्ट, लाइट कंपोनेंट्स आर लिफ्टेड बाय द टर्बुलेंस ऑफ द वेब, इट मींस कि जब वेब चलता है तो नीचे से वो फोर्स करता है, फोर्सिंग लगाता है, शोल्डर का एक फोर्स होता है, उस फोर्स के टर्बुलेंस से जो हल्के कंपोनेंट है वो ऊपर आने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हल्के कंपोनेंट हम क्लिंच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट वॉज नॉट इंसर्टेड करेक्टली, इट मीन्स कि जो भी हमारा MI हो रहा है, मैनुअल इंसर्शन हो रहा है, तो वहाँ पार्ट प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर प्रॉपर इंसर्ट नहीं होगा तो भी ये लिफ्टिंग का चांस आएगा, राइट। तो ये सारे लिफ्टिंग कंपोनेंट आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इशू, फ्लक्स रेसिड्यू। बहुत बार हम देखते हैं कि सोल्डिंग करने के बाद जब वेब सोल्डिंग से पीसीबी बाहर निकलता है तो उसके ऊपर वाइट वाइट कलर के धब्बे लगे रहते हैं, वो फ्लक्स होता है जो जम जाता है, और वो विजुअली बहुत गंदा दिखाई देता है, राइट। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि फ्लक्स होता है कंडक्टिव, अगर ज़्यादा फ्लक्स हो गया तो ICT FCT में वो पास नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टिव होता है और दो तीन पैड को आपस में वो शॉर्ट दिखाएगा, तो इसलिए फ्लक्स रेसिड्यू भी एक बहुत ही डेंजर चीज़ है। फ्लक्स रेसिड्यू विजिबल ऑन द बोर्ड आर मोस्ट कॉमन ड्यू टू द रिडक्शन इन द यूज ऑफ क्लीनिंग इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है कि नॉर्मली ये सपोज दैट नहीं दिख रहा हमें, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि क्लीनिंग प्रोसेस हटा देते हैं। हालांकि वेब सोल्डिंग के बाद क्लीनिंग प्रोसेस रखना एक कंपलसरी चीज़ है, अगर आपको PCB करेक्ट बनाना है। बट नॉर्मली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अगर इसका नुकसान नहीं दिख रहा तो हम क्लीनिंग प्रोसेस हटा देते हैं, इससे फिर ये इशू क्रिएट हो जाता है। तो वेब सोल्डिंग के बाद अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तो ये फ्लक्स रेसिड्यू का इशू नहीं आएगा, राइट। टू रिड्यूस दिस इशू वी कैन यूज नो क्लीन लो रेसिड्यू मटेरियल। एक नो क्लीन फ्लक्स आता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे ये वाइट वाइट डब्बे नहीं बनते, तो नो क्लीन फ्लक्स हम यूज कर सकते हैं अगर हमें क्लीनिंग नहीं करना है तो। द फ्लक्स रेसिड्यू हियर कुड हैव बीन कॉज्ड बाय द पुअर प्रोसेस कंडीशन, इट मीन्स कि हमने फ्लक्सिंग किया और फ्लक्सिंग बहुत ज़्यादा कर दिया, प्री हीटिंग प्रॉपर नहीं किया तो भी ये रेसिड्यू दिखता है, या फ्लक्सिंग बहुत ज़्यादा कर दिया, दो बार तीन बार कर दिया तो भी ये रेसिड्यू दिखता है। तो अगर प्रॉपर प्रोसेस नहीं है या प्रोसेस हमारा पुअर कंडीशन में, तो ये फ्लक्स दिखता है, राइट। पार्ट 1 हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।